हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस जंगली को देख लो सब लोग, बाल बाल कैसे इसका फैला है। सो क्यों उठे हो? हाँ बाबू, मेरा सो के उठा है इसलिए भी मूड मैंने ये बोलने के। हाँ लेकिन सो के उठने के बाद डांस जरूर कर लिया ना बेटा। आज ठंडा नहीं लग रहा है बाबू को? आज मौसम एकदम बढ़िया था, धूप निकली हुई थी इसलिए बाबू को मेरे ठंडा नहीं लग रहा था। अभी हम लोग कहाँ चलेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ गाइस को। यस अभी हम लोग जाएंगे घुम्मा, हम जाएंगे और उप्पू मां जाएगी और मम्मी जाएगी, बस बाबू नहीं जाएगा। बाबू घर में रहेगा, बाबू यहाँ पढ़ाई करेगा, अपनी बुम बुम से बाबू चलेगा। और कल बाबू गया था गोरखनाथ मेला और वहां से लाया है ये ट्रक और एक और कौन सी लाए थे? जीप लाया था। और जीप कहाँ है तुम्हारी? और ये ट्रक ऐसे दिया था, ये वाली जो अभी दिखाए हैं कि वो टूटी हुई थी। बाबू की मम्मी इसको किसी तरह जोड़ी, नहीं तो सामान सब ऐसा देते हैं। और तो और वो बोल रहा था, शॉपकीपर बोल रहा था एक बार आइए, इतना बढ़िया सामान देंगे कि बार बार आएंगी, यही बार बार में कौन जाएगा भाई, तुम्हारा वहाँ पैर नहीं रखेगा उसके पास। जीप दिखाओ। ओह माय गॉड, बाबू की जीप ये है, दूसरी वाली जीप ये लिया था, ये तो सही थी ना? हाँ ये वाली सही थी, ट्रक खराब थी। लो जीप पे बैठो और निकल लो। ठीक तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्ट, क्योंकि पापा के लिए कुछ सामान लेने थे तो इसलिए। और अभी शाम का 5:30 बज रहा है, लेकिन ठंडे इसलिए दिन तो डूब गया, सूरज भगवान चले गए हैं वापस और रात भी हो गई है। तो अभी जाते हैं मार्ट, फिर सामान लेके वापस आते हैं, थोड़ा टहलना भी हो जाएगा, इवनिंग वॉक भी हो जाएगी क्योंकि मार्ट बहुत दूर है नहीं, और प्लस उसके साथ ही साथ में जो काम है वो भी हो जाएगा। तो अगर अच्छा सामान मिलेगा तो लेंगे, और अगर उस लायक नहीं मिलेगा तो फिर बाद में कहीं और, आज तो नहीं बट बाद में कहीं और जाके फिर सामान देखेंगे। कहाँ जा रहे हो, क्या चाहिए? वो किसके लिए लोगे बाबू? मामा के लिए। मामा के पास है, नाना के लिए ले लिए, मामा के पास है। देखो मम्मी के लिए भी ले रही है, देखो ये देखो मम्मी के लिए। चला जाए, चलो आओ, चलो चलो मामा के पास है। हाथ पकड़ रहे मैं बेटा, देखो चलो आओ आओ, चलो बाहर आओ, ओए आओ, हाँ पकड़ लो। अब हम लोग निकल गए मार्ट से, जो सामान लेना था वो ले लिए। अभी रुके हैं, बाबू को टॉफ़ी खाने का शौक है तो टॉफ़ी खाने के लिए। क्या सॉलिड वाली गर्मी लगी है, क्योंकि हम लोग आए हैं पैदल, गए भी थे पैदल, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, बहुत ही भयंकर लग ही नहीं रहा है कि ठंड है। अंदर रहो तो इतनी ठंड लगती है, बाहर रहो तो इतनी गर्मी होती है, अगर थोड़ा सा चल दो तब तो पूछो ही मत। तो फाइनली हम लोग घर आ गए, अब फिर घर में देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वैसे तो आज पास्ता सुनने को, मेरी जो दीदी है सेकंड वाली, वो 3-4 दिन से बोल रही थी पास्ता आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, कल बनाएंगे, कल बनाएंगे, कभी नहीं बनाती। तो आज देखते हैं आज पास्ता मिलता है खाने को या नहीं, आज भी बोली है, अभी देखते हैं पास्ता मिलता है कि नहीं। मम्मी ठीक ठाक हो? मम्मी नॉर्मली हाल चाल पूछ, नॉर्मली क्यों, ठीक ठाक हो? मम्मी अलग अपने व्हाट्सएप पे मस्त हैं। नहीं अब देखना, पालक की और चना दाल, चना दाल कुछ देखती हैं, कभी बनाती नहीं है, सब्जी बनाएंगी वही तहरी, खराब बनाएंगी नहीं, बहुत अच्छी बनाई थी। अभी मेरे घर चश्मे पे ज्ञान दिया जा रहा है, और दूसरा बताया जिसकी आंखें बड़ी और पुतली बड़ी होती है उसको ये ज्यादातर होता है, इसकी आंख भी बड़ी है इसकी पुतली भी बड़ी है। चलो इधर दिखाओ, उसका क्लीनी चीज बताया है, पावर ग्लास या लेंस या सर्कल। अब आराधना की आंखों को छोटा करना पड़ेगा, बताया हम नहीं पढ़े अभी, खोली खोली थी तुम तो। थोड़ा सा चर्बी निकाल लेंगे और आ भैया आ गए, भैया आ गए, नमस्ते भैया, आलू भैया से पूछो बता देंगे तुम, आलू भैया आ गए।
हाँ तो पास्ता उबल गया है, बॉईल हो गया है पास्ता, कढ़ाई चढ़ गई है, इसका मतलब आज पास्ता मिल जाएगा ना, आज खिला दोगी ना। कितने दिन से हम लोग बोल रहे थे हम रात ना, ये दाल अलग सीटी मार रही है, कितने दिन से हम लोग बोल रहे थे, एक दो दिन हुआ था, तीन चार दिन हुआ था, इसको शर्म भी नहीं आ रही है। प्याज मिर्चा ये सब कट रहा है, फिर खा के बताएंगे कि टेस्ट कैसा आ रहा है ना। आज राधा बहुत अपसेट है क्योंकि आज ये डॉक्टर के पास गई थी आंखों के लिए, बस चश्मे के लिए बोले तो इससे इसका मुंह बन गया। ए सारी सुंदर सुंदर लड़कियां चश्मा ही तो लगाती हैं। ए पास्ता बन रहा है, पास्ता खाओगी कि नहीं, वो हटाओ रजाई, हटाओ रजाई, रो रही हूँ क्या, हाँ नहीं खाओगी पास्ता, नहीं खाओगी पास्ता, खाओगी कि नहीं। तो राधना आज बहुत टेंशन में है अभी, इसीलिए आज कुछ बोल नहीं रही है, और घर पे भी नॉर्मली भी ऐसे किसी से बात नहीं कर रही है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसको टेंशन हो गई है। तो अभी पास्ता बन जाता है, फिर खा के बताते हैं कि कैसा बना है। बन गया पास्ता, राधना लो पास्ता, अब आगे खा के बताएंगे कि टेस्ट कैसा है, जिसमें ज़्यादा ऑयल लेंगे, ज़्यादा वाला पास्ता कभी कभी दिन पे मिलता है, यहाँ जब हम किचन में ब्लॉग बना रहे हैं तब ये कुकर सीटी देना स्टार्ट कर दे रहा है। तो अभी खा के बताते हैं कि कैसा बना था पास्ता, बना था मस्त और हमको तो बहुत पसंद आया, और हमको पास्ता है भी बहुत पसंद, मैगी से अधिक तो पास्ता ही पसंद है, बाकी और कोई खाया नहीं हम और भैया, और सिर्फ आराधना खाई, और बाकी मेरे घर में पास्ता कोई पसंद ही नहीं करता है खाना। क्या कर रहे हो बाबू, ये क्या कर रहे हो, अभी तक तो मम्मी की सेवा हो रही थी अब अपनी सेवा करने लगे, लगा दिखा दो आपको। ओ, ओ, सुई रखे हो क्या, वाह भाई वाह 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 वाह, लग गया, और मम्मी का पैर दबा रहे थे, दबाओ जल्दी, दबा रहे, ये क्या लगा रहे हो मम्मी के पैर पे, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो तुम तो यार, तेल, वेरी गुड, तेल नहीं रहने दो, बिना तेल के मम्मी की मालिश करो, पैर दबाओ, अरे दबाओ, अरे बाप रे बाप रे, अब नॉडी नॉडी का भी पैर दबाओ। आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।